नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाना खाने का सही समय और तरीका क्या होता है। दोस्तों, भोजन करना बेहद ही आसान काम लगता है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ छोटी छोटी गलतियां आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। और जब बात खाना खाने की आती है तो आपको इसका सही समय और तरीका जरूर जानना चाहिए। अधिक वर्कआउट के बाद खाना न खाने या देरी से नाश्ता करने, रात को सोने से पहले कब खाना खाएं और सुबह दोपहर और शाम के खाने के बीच में कितना अंतराल हो, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना बेशक थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी खाने के सही समय और तरीके से संबंधित विषय को इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको किस समय कौन से खाद्य पदार्थ को खाने चाहिए ये भी बताया गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि किस समय कौन से खाद्य पदार्थ आपको लेने चाहिए। तो कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको एक निश्चित समय पर खाने से आपको अधिक फायदे मिलते हैं। निश्चित समय पर इन खाद्य पदार्थों को लेने से आपकी शारीरिक और दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है और इसके साथ ही आपका मूड भी सामान्य बना रहता है, जिससे कि आपको कोई भी काम करने में परेशानी नहीं होती है। तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ और उनको खाने के सही समय के बारे में हम आपको बताएंगे ताकि आपको इनका भरपूर फायदा मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे कि खाने से पहले क्या खाएं। तो आयुर्वेद के अनुसार आपको खाना खाने से पहले खट्टे फल जैसे कि अनार खाना चाहिए, लेकिन खाना खाने से पहले केला नहीं खाना चाहिए। कमल, ककड़ी और गन्ना भी खाना खाने से पहले ही लें, इनको भोजन लेने के बाद नहीं खाना चाहिए। ऐसे आहार जो आसानी से नहीं पचते हैं, जैसे कि उड़द की दाल से बनी चीज़ें और मीठी चीज़ को खाने के बाद कम मात्रा में ही खाना चाहिए। आंवले को आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के साथ या खाने के बाद भी खा सकते हैं। बात की जाए कि सुबह किन चीज़ों को न खाएं, तो चिरौंजी, काले जामुन, इमली, नारियल, तिल से बनी चीज़ें, आम, केला, आंवला, उनको नाश्ते में नहीं लेना चाहिए। भुना हुआ सत्तू की बात करें तो भुना हुआ सत्तू को रात के बाद नहीं खाना चाहिए, साथ ही इसको मीट और दूध के साथ भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा सत्तू को खाने के बाद कुछ समय के लिए पानी न पिएं। दूध की बात करें तो रात को दूध पीने से आपके शरीर की कई समस्याएं दूर होती है और आपको अच्छी नींद आती है। रात के समय जब आप सभी काम खत्म करके आराम की स्थिति में हो तब दूध पिए। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना शरीर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। रात को दूध पीने से पूरे दिन की थकान दूर होती है और इतना ही नहीं, हल्दी वाले दूध एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, साथ ही साथ इससे रोगों और चोट को जल्दी ठीक होती है। दही की बात करें तो सर्दियों और बरसात के मौसम में दही खाना काफ़ी लाभदायक होता है। दही की तासीर गर्म होने के कारण इसको रात के समय, पतझड़ और वसंत के मौसम में नहीं खाना चाहिए। रात का ठंडक भरे माहौल में दही आपके शरीर में कई तरह के विकार उत्पन्न कर सकती है। पानी पीने की बात करें तो सुबह सूर्य उदय के बाद खाली पेट पानी पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और इससे सेहत को कई अन्य फायदे भी होते हैं और ऐसा करने से आपकी आयु भी लंबी होती है। डार्क चॉकलेट की बात करें तो डार्क चॉकलेट खाने का सही समय सुबह होता है। ये मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। डार्क चॉकलेट आपके हार्ट के लिए भी अच्छी होती है और इसके साथ ही यह हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से आपकी त्वचा की रक्षा करती है। मीट की बात करें तो मीट खाने का सही समय दोपहर का माना जाता है। रात के समय मीट को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसको पचाने में अधिक समय लगता है। सेब की बात करें तो सेब को सुबह के समय खाना चाहिए। सेब में मौजूद पेक्टिन आंतों को स्वस्थ बनाता है और कार्सिनोमा यानी कि एक प्रकार का कैंसर होता है उससे आपकी सुरक्षा करता है। सलाद की बात करें तो कम कैलोरी वाले सलाद को खाने से 15 मिनट पहले खाना चाहिए। इससे आपके द्वारा ली जाने वाली कैलोरी कम होती है और शरीर का आकार सही बने रहने में मदद मिलती है। और आलू की बात करें तो आलू को अपने सुबह के समय खाना चाहिए। आलू आपके लिए ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और ये आपके शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखता है, साथ ही इसमें मिनरल्स भी होते हैं। कैलोरी होने के कारण आलू को रात के समय नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, बात की जाए कि खाना खाने का सही समय क्या होता है, तो वर्कआउट के समय खाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स की बात करें तो खाली पेट भारी वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करने से बचें। वर्कआउट से पहले आप प्रोटीन युक्त सैंडविच, प्रोटीन शेक, अंडे, साबुत अनाज या मूँगफली ले सकते हैं। नाश्ता करने का सही समय की बात करें तो सुबह उठने के 30 मिनट बाद नाश्ता करें। सामान्यतः नाश्ता करने का सही समय सुबह 7 बजे माना जाता है। सुबह 10 बजने से पहले ही नाश्ता कर लें और अपने नाश्ते में प्रोटीन को जरूर शामिल करें। बात की जाए दोपहर का खाना आपको कब खाना चाहिए, तो दोपहर का भोजन करने का सही समय 12:45 माना जाता है और नाश्ते और दोपहर के खाने में कम से कम 4 घंटे का अंतराल जरूर रखें। दोपहर का खाना शाम 4 बजे के बाद न खाएं। और बात की जाए कि रात का खाना आपको कब खाना चाहिए, तो रात के खाने का सही समय 7 बजे से पहले माना जाता है। रात का खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटों का अंतराल जरूर रखें। रात 10 बजे के बाद खाना न खाएं और सोने से कुछ समय पहले खाना खाने से आपको नींद आने में मुश्किल हो सकती है।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि खाना खाने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों खाना खाते समय आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खाना खाते समय की गई छोटी गलती भी आपके लिए कई बार बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। तो सबसे पहला तो यही है कि धीरे धीरे खाएं। खाना खाते समय आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और खाने पर ही ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। खाना खाते समय जल्दबाजी न करें, इससे आपके खाने का कण श्वास नली में फंस सकता है। जल्दबाजी में खाना खाने से पाचन क्रिया में अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे कि भोजन को पचाने में अधिक समय लगता है। साथ ही साथ छोटे छोटे निवाले लें। खाना खाते समय आपको छोटे छोटे निवाले लेने चाहिए। बड़े निवाले लेने से आपको चबाने में ज़्यादा समय लग सकता है और साथ ही इससे लार के एंजाइम सही तरह से भोजन में नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि आपका खाना सही तरह से नहीं पच पाता है। खाना खाते समय झगड़ा ना करें। खाना खाते समय आपको किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। कई बार खाना खाते समय आप परिवार या दोस्त के साथ किसी बात पर बहस करने लगते हैं, जिस कारण आप खाना जल्दी खत्म करने के लिए तेज़ी से खाते हैं और ऐसा करने से आपकी सेहत पर खराब असर हो सकता है। साथ ही साथ नीचे बैठकर खाएं। घर के बुजुर्ग हमेशा से ही नीचे बैठकर खाना खाने की सलाह देते हैं। दरअसल सुख आसन में बैठकर खाने से आपकी पाचन क्रिया सही होती है। ऐसा माना जाता है कि जब आप सुखासन में खाने के लिए बैठते हैं तो आपका दिमाग पाचन क्रिया के लिए तैयार हो जाता है। और बात की जाए गर्म पानी से पीने की, तो खाना खाते समय आपको गर्म पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन खाने के बाद थोड़ी मात्रा में गर्म पानी पीने से पाचन क्रिया ठीक होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्लिक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।